Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S. K. Sinha. Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope कि सब अच्छे होंगे. तो students, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल MIS India सब्सक्राइब नहीं किया है, तो students, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको हमारे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे. मैं एस के सिन्हा, MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलकुलस से टेलर थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एंट्रम्स. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बी बी टेक बी एस सी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो. लेकिन स्टूडेंट्स, बी एस सी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसका प्रूफ आ जाता है बीएससी में खास तौर पे. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं टेलर थ्योरम. लेकिन स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ थ्योरम्स मैं आपके से डिस्कस करूँगा, लाइक रोल थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिनका टेलर थ्योरम को प्रूफ करने में बहुत बड़ा योगदान है. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कीजिए, सो राइट डाउन प्लीज एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स. रोल थ्योरम, देखिए व्हाट इज रोल थ्योरम्स, राइट डाउन प्लीज. इफ ए फंक्शन एफ एक्स, डेफिनेशन ऑफ द रोल थ्योरम, इफ ए फंक्शन एफ एक्स, देखिए स्टूडेंट्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है, कैसा है, इज नंबर वन, देखिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, नोट कीजिए, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी. नंबर टू, नेक्स्ट, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देखिए स्टूडेंट्स, ये ओके. एंड कंडीशन नंबर थ्री क्या है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये है. तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर. ओके, कौन सा रियल नंबर, C belongs to AB such that F dash C is equal to 0. देखिए students, this is the definition of Rolle's theorem. कि Rolle's theorem हमारी तीन properties satisfy करती है कि if a function fx कैसा है, कि number one continuous in the closed interval AB bracket close. नंबर टू, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी. ओके, एंड कंडीशन नंबर थ्री, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन एट लीस्ट वन रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर जो कि सी बिलोंग्स टू करे हमारा किसमें, ए बी में, सच दैट इस डिफरेंशिएशन एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड द रोल थ्योरम. इज इट क्लियर, नोट कीजिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम. देखिए स्टूडेंट्स, लैग्रेंजेस के लिए स्टूडेंट्स ये लिखिए सबसे पहले, इफ ए फंक्शन, यही नोट कीजिए आप, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कैसा, सेम एज रोल थ्योरम, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, जहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या था, ए, तो यहां पे आ जाएगा ए प्लस एच, इन द क्लोज इंटरवल ए ए प्लस एच. नंबर टू, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच, ऐसे कीजिए स्टूडेंट्स. ओके, एंड देन ये देखिए अब यहां पे, एंड देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर, देखिए एट लीस्ट वन रियल नंबर थीटा,
अब यहाँ पे हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, थीटा, ओके, जो कि कहाँ लाई करता है, दिस थीटा इज लाइज बिटवीन 0 and 1 सच दैट एफ ऑफ थीटा, ओके, तो स्टूडेंट्स कैसा हो जाएगा ये, यस प्लीज टेल यू समथिंग अबाउट दिस, यस सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ए प्लस थीटा एच, स्टूडेंट्स देखिए दिस इज योर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ओके, एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, सो हैव यू एनी प्रॉब्लम, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लैग्रेंजेस थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ओके, कि आई रिपीट अगेन, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए ए प्लस एच, समझ में आ गया आपको, ओके, रूल्स में कंटिन्यूअसली क्लोज इंटरवल ए बी बट हेयर ए ए प्लस एच एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच बट देन एट लीस्ट वन रियल नंबर थीटा, जो कि कहां लाई करता हमारा बिटवीन 0 and 1, सो सच दैट एफ ऑफ ए प्लस थीटा f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus theta h. That is called the Lagrange's mean value theorem. Okay. तो चलिए friends, अब करते हैं हम proof of Taylor theorem. आइए. तो सबसे पहले हम statement लिखते हैं Taylor theorem की. Write down please. Statement क्या है देखिए Taylor theorem के लिए. उसके बाद हम proof करेंगे. First of all, write down the statement. If a function f(x) fx such that, देखिए स्टूडेंट्स, यदि कोई भी एक फंक्शन fx ऐसा हो, नंबर वन कैसे देखिए, इट्स ऑल डेरिवेटिव fx f डैश x कोमा f डबल डैश x कोमा एन टू सो ऑन, ऑल डेरिवेटिव्स और f रेज टू पावर n इंटू x, ऐसे in nth derivative are continuous in the closed interval a a plus h, देखिए students, okay, number two कि f raised to power n x exist, f raised to power n x एग्जिस्ट किस में स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इन ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच में, ओके, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर थीटा theta and where theta lies 0 is less than theta less than 1 this theta, okay, such that देखिए students कैसी हमें equation बनानी है ये, such that Taylor theorem कैसी होगी देखिए, f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus h square by 2 factorial f double dash a plus n to so on plus, देखिए students f of a h f dash a, okay, and it's nth h raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial n minus 1 into a plus n to so on, okay, yes, have you any problem, no, h raised to power n upon n factorial f raised to power n into a, देखिए students this is the formula of the Taylor theorem in theta a plus theta h, देखिए students ये है, okay, this is the statement of the Taylor theorem, okay, जो हमने actual में क्या prove करना है students ये,
f of a plus h is equal to f of a h f dash a s square 2 factorial and to so on n terms and a plus theta, where this theta is lies between 0 and 1. Okay. तो चलिए स्टूडेंट्स, और ये जो हमारी टेलर थ्योरम है इसको हम कितना भी आप चाहें एक्सपेंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओके फोर्थ फिफ्थ डेरिवेटिव एंड टू सोन एंड एन डेरिवेटिव यू कैन एक्सपेंड ओके इन आर द कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए ए प्लस एच और इन द ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच ओके यू कैन एक्सपेंड टेलर सीरीज एंड यू मेक ए टेलर सीरीज एंड नाउ चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसका प्रूफ करते हैं देखिए कैसे है प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम कंसीडर द फंक्शन ओके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स ओके प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स इट्स होल स्क्वेयर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड टू सो ऑन प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड एफ रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू ए ओके एंड हेयर व्हाट इज ए यस राइट डाउन प्लीज वेयर ए इज कॉन्स्टेंट चूजन सो दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच देखिए स्टूडेंट्स ओके नाउ दिस एफ ऑफ एक्स चेंज इन टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू नाउ दिस बिकम एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश एक्स ओके एफ डैश ए ओके प्लस एच स्क्वेयर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एन टू सो ऑन प्लस एच रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल ओके एफ रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस एच रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू ए देखिए स्टूडेंट्स एंड वेयर एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ a plus h. देखिए स्टूडेंट्स ये सो पुटिंग दिस वैल्यू दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू देखिए स्टूडेंट्स एंड दिस वैल्यू कहां पुट करें पुट इन राइट ऑन पेज पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर टू ओके जो कि आप किसके कुल एफ ऑफ ए plus h and this f of a plus h where f of a plus h is equal to f of a plus h small f of a plus h and now this become look at here this f of a dekhiye students it's f of a plus h dekhiye ye okay and this f of a plus h okay so now f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus s square upon 2 factorial f double dash a plus n to so on plus h raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial dekhiye okay plus h raised to power n okay upon n factorial into dekhiye students and take this equation number ye jo aapki equation aayi hai isko equation le liya maine This is your equation number one, this is your equation number two, and this is your equation number three. Okay, तो चलिए स्टूडेंट जो equation number three है इसको हम hold पे रख लेते हैं देखिए equation number three को
जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 आई है वो है, देखिए इसी के साथ में मैं ओके एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एन टू सो ऑन प्लस ओके एच रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल ओके एफ रेस टू पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू ए. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. टू अप्लाई रोल थ्योरम ऑन एफ एक्स. अब स्टूडेंट्स हम रोल थ्योरम अप्लाई करते हैं. जो हमारे रोल थ्योरम के रूल हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन, एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एंड टू सो ऑन एफ रेज टू पावर एन इंटू एक्स. कैसे स्टूडेंट्स? आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कोमा ए प्लस एच. ठीक है, गिवन a प्लस एच माइनस एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके a प्लस एच माइनस एक्स इट्स होल स्क्वेयर a प्लस एच माइनस एक्स इट्स क्यूब एंड टू सो ऑन. ओके एंड a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर n बीइंग पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूअस आर कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच. ओके तो फ्रेंड्स, ऑल्सो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके सो देयर फोर कैसा हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए ए प्लस एच. ओके सो देयर फोर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए ए प्लस एच. समझ गए ना स्टूडेंट्स आप? क्यों? क्योंकि और जो एल्जेब्रिक जो सम है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके सो देयरफॉर एफएक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए ए प्लस एच. ओके कंडीशन नंबर 2, चलिए स्टूडेंट्स दिस इज योर कंडीशन नंबर 1. अब चलते हैं कंडीशन नंबर 2. देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या है आपकी, कंडीशन नंबर 2 कि एज एफ रेज टू पावर एन एक्स जो एनथ हमारा फंक्शन है कैसा एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच. ठीक है तो कैसा, देखिए देयरफॉर एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एंड टू सो ऑन ओके एक्स डेरिवेटिव कैसे होंगे स्टूडेंट्स? ऑल कैसे होंगे हमारे ऑल डेरिवेटिव्स एफ डैश एक्स डबल डैश ट्रिपल डैश एफ डैश टू पावर एन टू इन टू एक्स आर ऑल डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच. ओके डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच. देखिए स्टूडेंट्स, ओके एंड ऑल्सो अब इसी तरह से हमारी जो समेशन थी ये देखिए ये जो हमारी सेकेंड केस में थी, फर्स्ट केस में कौन से वाली, ऑल्सो ए प्लस एच माइनस एक्स इज होल स्क्वेयर
a plus h minus x cube and to so on, a plus h minus x raised to power n. Being polynomial are derivable. In open interval a plus h, take students. Okay, therefore what is fx? So batai students, yes please tell me something about this. Fx kaisa ho gaya aapka? To fx hamara kaisa ho gaya, derivable ho gaya nahi ho gaya? Okay, so therefore fx is derivable in open interval a plus h. Take students. First part related to Rolle's theorem. Second for continuous and second for derivable. दोनों हो गए. Part जो first part था students हमारा इसी का. उसमें क्या था हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कि fx हमारा क्या था, इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a प्लस एच. ओके, एंड इन सेकंड पार्ट योर fx इज डेरिवेबल a प्लस एच. ठीक है, तो रोल थ्योरम की प्रॉपर्टी हमारी यहां पे. अब हाँ, अब एक पार्ट हो रहा है f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच. ओके, पार्ट वन कंप्लीट. वहां फंक्शन हमारा fx कैसा हो गया स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a प्लस एच. ओके, पार्ट सेकंड, जो ये आपका पार्ट सेकंड है, इसमें आपका एफ ओफ एक्स कैसा हो गया, डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच. अब करते हैं पार्ट थ्री. आइए स्टूडेंट्स, कंडीशन नंबर थ्री ऑफ रोल थ्योरम, एफ ओफ ए इज इक्वल टू एफ ओफ ए प्लस एच. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, देयरफॉर एफ एक्स सेटिस्फाइज all three condition of Rolle theorems in a plus h. Okay, open and close interval. Hence there exists at least one real number. Okay, hence there exists at least one real number theta, and this theta lies between 0 and 1, such that f dash a plus theta h is equal to 0. Take this friends. Now डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर वन, देखिए यहाँ पे दिस इक्वेशन नंबर वन, डिफ्रेंशिएटिंग ये इक्वेशन नंबर वन थी हमारी, दिस इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू x. तो चलिए फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, लुक एट हियर, दिस बिकम ओके f डैश x इज इक्वल टू f डैश x प्लस a प्लस h माइनस x इंटू f डबल डैश x माइनस हियर दिस a प्लस h इज कॉन्स्टेंट, दिस बिकम जीरो एंड x माइनस वन माइनस ओके a प्लस h f डबल डैश माइनस f डैश x माइनस x डेरिवेटिव माइनस वन हियर यूजिंग u इंटू v प्लस a प्लस h माइनस x इट्स होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड इट्स डेरिवेटिव इज ट्रिपल डैश x माइनस माइनस मैंने ऑलरेडी लगा दी फ्रेंड्स, क्योंकि x डेरिवेटिव इज माइनस वन, इट मीन्स 2 इंटू a प्लस h माइनस x डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 एंड यस f डबल डैश x. देखिए फ्रेंड्स, ओके, प्लस एंड टू सो ऑन प्लस. अब यहाँ जाइए, इसका एन डेरिवेटिव देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस ओके एन माइनस वन, लुक एट हियर, ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन
अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ओके, एफ रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस, यहाँ जाइए, ये इस डेरिवेटिव एफ रेज टू पावर एन माइनस वन एज इट इज, एंड नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस एज इट इज, दिस नाउ लुक एट हियर, दिस इज माइनस एक्स एंड हियर यू कैन यूज हियर माइनस इज हियर, ए प्लस एच माइनस एक्स एन इंटू एन माइनस वन एंड माइनस एक्स डेरिवेटिव एंड एफ रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स एज इट इज, नाउ प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ रेज टू पावर एन इंटू एक्स, देखिए स्टूडेंट्स, ओके, एंड इट्स डेरिवेटिव इज प्लस एन इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू ए, एंड इस एक्स डेरिवेटिव इज माइनस वन, तो ये इसको साइन मैंने चेंज कर दिया, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव है देखिए फ्रेंड्स, एफ डैश एक्स, दिस एफ डैश एक्स कैंसल, डबल टू डबल कैंसल, दिस टू 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 कैंसल हेयर एंड टू 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 कैंसल एंड हेयर दिस इज एफ डैश एक्स टू, दिस कैंसल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ओके, एंड सिमिलरली व्हेन वी फाइंड इट ट्रिपल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव इन कंटिन्यूशंस, ऑल विल बी कैंसल इट, ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, एन टर्म्स में व्हेन एन इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड टू सो ऑन ऑल वैल्यूज कैंसल्ड, तो आपके पास रिमाइंडर क्या रहा, एफ डैश एक्स, देखिए स्टूडेंट्स, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ऑल विल बी जीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां से ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर एन इंटू एक्स माइनस, हियर दिस एन फैक्टोरियल एंड यू कैन राइट दिस इज एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, दिस एन टू एन कैंसल एंड यू हैव ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए, देखिए स्टूडेंट्स, ओके, सो यस, हैव यू एनी प्रॉब्लम, ओके, नाउ स्टूडेंट्स हेयर दिस इज कॉमन, ये एंड दिस कॉमन फ्रॉम हेयर, दिस इज ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल स्टे कॉमन, नाउ यू हैव एफ रेज टू पावर एन एक्स माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज एफ डैश एक्स, ओके, एंड नाउ टेक दिस इक्वेशन नंबर फोर, व्हाट इज एफ रेज टू पावर, अब यहां स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं, क्या पुट करें, ठीक है स्टूडेंट्स, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस थीटा एच इन इक्वेशन नंबर फोर, देन इक्वेशन नंबर फोर बिकम एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू ए प्लस एच माइनस ए माइनस थीटा एच रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ रेज टू पावर एन इंटू ए प्लस थीटा एच माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, देखिए स्टूडेंट्स, ओके, नाउ दिस बिकम क्या हो जाएगा, ये देखिए, ओके, एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू, नाउ दिस ए टू दिस ए कैंसल एंड एच इंटू वन माइनस थीटा, ओके, रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड हेयर एफ रेज टू पावर एन इंटू ए प्लस थीटा एच माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, देखिए स्टूडेंट्स, वेयर
1 minus theta and this h, where 1 minus theta is not equal to 0 and h is not equal to 0. Note this step, because, okay, 1 minus theta is not equal to 0 and h is not equal to 0. And now from the condition 3 of the Rolle's theorem, f dash a plus theta h is equal to 0, then this expression becomes f raised to power n into a plus theta h minus a is equal to 0. Because when we substitute here, now students, this is 0, then this complete function is equal to 0. From the third condition of the Rolle's theorem, f dash a theta h is equal to 0, and now this implies that a is equal to f raised to power n into a plus theta h. Thank you, students. Kitna majedar question ho gaya. Okay, now this put this a, okay, put in equation number 3. In this expression, and this equation number 3, put a in equation number 3. And this equation number 3 reduced to in the form, catch your experience, dekhiye. Okay, f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus h square upon 2 factorial f double dash a plus h raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial f raised to power n minus 1 into a plus h raised to power n upon n factorial, and a is f raised to power n into a plus theta h. Which is the required expansion? Of the Taylor series. Dekhi students, ये तो मैं प्रूव करना था. That is called the Taylor theorem. So, have you any problem? Now, n plus 1 th, nth expression, या nth term, means h raised to power n ye upon n factorial f raised to power n into a plus theta h. Ye kya students, ye jo expression aapka is called the Lagrange's form of remainder after n terms, okay, is called the Lagrange's form of remainder after n terms, okay. और इसको हम किसे डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय आर एन, ओके. तो चलिए स्टूडेंट्स, पुटिंग ए प्लस एच putting a plus h is equal to x in इसको ये मैंने दे दिया equation number 5. Put a plus h is equal to x and h is equal to x minus a in equation number 5. Then we get the another form of the Taylor theorem, okay. Then we get the another form of Taylor theorem. F of a plus h is equal to x. It means f of x is equal to f of a. And yes, any problem? No. So here f of a plus what is your h? X minus a. देखिए f dash a plus x minus a its whole square upon
टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर एन माइनस वन इन टू ए प्लस, स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना आपको, ओके, प्लस एच, नाउ एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एंड हेयर एफ रेज टू पावर एन इन टू ए प्लस थ्रीटा एंड वट इज एच एक्स एच एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज एंड विद जीरो लेस देन थ्रीटा लेस देन वन. सो हैव यू एनी प्रॉब्लम इन द टेलर थ्योरम विद द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स. सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छी समझ में आ गई है, ओके. और इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम है टेलर थ्योरम में तो आप हम यूट्यूब पे हमारे MIS चैनल पे जाइए, वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है और हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉर्ट आउट करेंगे, ओके. तो स्टूडेंट्स मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, तो हम आपकी जरूर से ज़रूर हेल्प करेंगे. प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये है ना कि आप लोग कमेंट नहीं करते, आपके कमेंट नहीं आते, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और जैसे भी आप कमेंट करेंगे स्टूडेंट्स वी कैन एक्सेप्ट, ओके. तो चलिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.